तो सबसे पहले अलाइट मोशन ऐप के अंदर चलते हैं। चलने के बाद अब आपको क्या करना है, देखो प्लस वाले आइकन पे जाना है। 916 का ये रेशियो 1080p 60 पिक्सल के साथ ब्लू स्क्रीन के साथ सॉरी ब्लैक स्क्रीन के साथ क्रिएटिव प्रोजेक्ट। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, प्लस वाले आइकन पे जाना है, मीडिया में जाना है और एक पिक लेनी है। ठीक है फ्रेंड, तो पिक लेने के बाद देखो फ्रेंड्स ये गाना जो है वो स्मोक वाला है, तो इसमें थोड़ा सा ब्लैक जिस में ज़्यादा हो वैसी ही फोटो लेनी है, यानी तस्वीर बनी हुई हो और ज़्यादा हिस्सा ब्लैक होना चाहिए उसका, तभी ये काम करेगा। ठीक है फ्रेंड, तो हम एक बार फिर से प्लस में जाते हैं, वाला इमेज हो गई और ये नीचे वाला वीडियो हो गया, तो इसमें से थ्री डॉट पे जाके एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेते हैं और वीडियो को डिलीट कर देते हैं। इसके बाद जहाँ तक आपका गाना है वहाँ तक इसको ले आएंगे, तो इस तरीके से इसको कर देंगे। करने के बाद अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको प्लस वाले आइकन पे जाना है और अपने सॉन्ग के बोल लिखने हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी फ्रेंड्स इसमें ट्यून ही आती है, तो जैसे भगवान का है तो कुछ भी ऐसे लिख देंगे जैसे प्रेम से बोलो। तो इसमें जैसे स्टार्टिंग में खाली ही जा रही है थोड़ी सी देर धुन, तो और कलर जो है वाइट ले लेंगे। और इसके बाद देखो क्वेश्चन स्क्रिप्ट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। और साइज जो है वो वाइट कलर हो गया और 32 या 40 जो भी सही लगे वो देख लेना आप, तो 40 भी सही लग रहा है या 36 या 40 दोनों में से देख लेना गाने के बोल जैसे हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसे स्टार्टिंग में हमने रख दिया। इसको रखने के बाद अब आपको क्या करना है देखो फ्रेंड्स, ये तो यहाँ तक गाना, अब यहाँ से 3 से शुरू है, तो जहाँ तक थोड़ा सा इस तरीके से ही बना देते हैं और आगे पीछे हो तो कैसे करेंगे, तो चलो मैं एक बार सिखाई देती हूँ। तो इस तरीके से जैसे इसको लिया, और इसको लेने के बाद आपको क्या करना है इफ़ेक्ट के अंदर जाना है। इफ़ेक्ट के अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको मेटी मास्क के अंदर आना है और वाइप लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड ले लेना। स्टैंडर्ड लेने के बाद अब आपको क्या करना है देखो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग के अंदर तो कुछ भी नहीं करना और एंड वाले में आना है, तो यहाँ पे आपको माइनस में 17 ले जाना है, माइनस में ले जाना 17। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस में 17 और देखो लास्ट से थोड़ा पहले यहाँ फिर से इसको हैंडरेट कर देना। पूरा हैंडरेट ही करना, ज्यादा मत करना फ्रेंड्स। ठीक है, और इसके बाद देखो नीचे फिदर को 30 कर देना, फिदर को 30। ठीक है फ्रेंड, तो ये इफेक्ट हमारा लग चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, एक दूसरा इफेक्ट भी ऐड करना है, वो मिला ओपेसिटी विजिबिलिटी, तो इसमें मिलेगा फेड इन फेड आउट, तो ये ले लेना स्टैंडर्ड ले लेना। स्टैंडर्ड लेने के बाद इसको देखो ओपन करना है, स्टार्टिंग वाले को तो आपको देखो 0-0 कर देना, इन वाले को तो आपको 0-0 कर देना है और आउट वाले को इसको 20 कर देना।
20 या 30 के बीच जो भी आपको पसंद हो वो रख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा इफेक्ट लग चुका है। देखो इस तरीके से आएगा और इस तरीके से जाएगा, जो मैंने पहले भी आपको ये इफेक्ट सिखा रखा है। तो ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा मतलब पी रह रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा इसको देखो एंड वाला हमने इसको माइनस में किया था ना, इसको ये पी पूरा हटना चाहिए था 17। थोड़ा वर्ड बड़ा हो तो फ्रेंड थोड़ा सा 18 कर लेना आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको देखो एक फ्रेंड से इफेक्ट मिल जाएगा आपको, ये स्मोक वाला एक मिनट का। तो इसको ऊपर इस तरीके से सेट कर लेना। तो मैं इसको पहले इसके ऊपर इस तरीके से वर्ड के ऊपर सेट कर लेना, जहां आपका वर्ड लिखा हो। और इसके अंदर जाना, जाने के पता आपको क्या करना है, लाइट में आना और स्क्रीन कर देना। और इस वाले स्मोक को जो है उस वाले टेक्स्ट के ऊपर रख देना। तो मैं इसको पहले टेक्स्ट के ऊपर रख देती हूँ इस तरीके से जमा के, और छोटा बड़ा हो तो थोड़ा सा फैला देना उसको। तो इस तरीके से देखो ये दोनों मिल जाए, जैसे ये वर्ड खत्म हो रहा है और सार हो रहा है, तो इन दोनों को इस तरीके से कॉम्बिनेशन बिठा लेंगे। बिठाने के बाद देखो फ्रेंड्स, कोई थोड़ा लिरिक बड़ा हो तो उसके अंदर ये स्मोक टूटे नहीं, इसके लिए थोड़ा सा ऐसा ही सॉन्ग लेना जो इस पे बैठ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट से मतलब ज़्यादा हो तो फिर थोड़ा सा उसको डबलिंग कर लेना उसके अंदर ही आप, क्योंकि स्मोक टूट जाती है एक मिनट का है पूरा स्मोक। तो इससे ज़्यादा हम इसको फैलाएंगे तो ये टूट जाएगी। तो भाईसा का ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आगे का लिखने के लिए इन दोनों को आपको सेलेक्ट कर लेना, कॉपी कर लेना और इधर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपके गाने के जो भी बोल है उन दोनों को देख लेना, गाने के बोल जो भी है उनको देखिए। इस तरीके से ये आएगा, तो ठीक है फ्रेंड्स।